नमस्ते, मेरा नाम है विशाल सिंह। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी खेसारी लाल यादव के ऊपर, जिसमें मैंने एक भी माँ बहन की गाली नहीं दी थी। पर कुछ चूतिए हैं जिन लोगों ने ये बोला है कि विशाल सिंह ने वीडियो में माँ बहन की गाली दी है। पर मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया था, चूतिया। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तो आज का ये वीडियो मैं एक चूतिए दल्ले के ऊपर बना रहा हूँ, और ये वीडियो बहुत छोटा होगा। और सॉरी अगर मेरे मुँह से कुछ भी अपशब्द निकल जाए इस वीडियो में, तो क्योंकि इसकी शक्ल देख के ना मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये वीडियो बहुत छोटी है इसलिए क्योंकि ये जो दल्ला है ना, ये 24 घंटे घूम घूम के गुड़गांव में फ्लैट दिखाता है लोगों को, तो इसके पास टाइम नहीं होगा। इसकी सेफ्टी के, इसके प्रॉफिट के लिए मैं ये वीडियो इतनी छोटी सी बना रहा हूँ। 4 पॉइंट लिखा हूँ तेरे लिए, लिखा भी नहीं हूँ भाई, याद है मुझे। उसके लिए तो लिखा था 16 पॉइंट, तेरे लिए याद है। पहला, इसने मुझे बोला है कि मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का साला हूँ। तो ये जीजा साले के टॉपिक पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कुछ दिन पहले अपना जीजा किसी और को मानता था, बड़ा जीजा किसी और को मानता था, और कुछ दिन के बाद 2-2.5 लाख रुपए लेकर के ये आज की डेट में जीजा किसी और को मानता है। बस 2.5 लाख रुपए, तू एक काम कर, जो तेरे बड़े जीजा है ना, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छी जान पहचान है मेरी उनसे, मैं उनसे बात कर लूंगा और तेरे लिए एक महीने की सैलरी फिक्स करा दूंगा। तू इस साइड आकर के अच्छे से रहे, बस अपने बड़े जीजा के बारे में कुछ बोलना मत फालतू। और दूसरी बात, इसने मुझे बोला है कि विशाल सिंह का चेहरा देखा है, उसको यहां से हड्डी दिख रहा है, यहां से हड्डी दिख रहा है, कुपोषित लगता है। अबे चूतिए, जो इसको तू बोल रहा है ना, इसको जॉ लाइन बोलते हैं, जो तेरे हाथी जैसे शक्ल पे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तीसरी पॉइंट, इसने बोला था कि इसको मैं चाहूं तो आराम से रेल सकता हूं, पर रेलूंगा नहीं, ये हमारा साला जो है। अबे बहुत गंदी गंदी गाली आ रही, बट मैं बोलूंगा नहीं। अबे चूतिए, अगर तुझ जैसे 2 कौड़ी के दल्ले अगर मुझे रेलने लगेंगे ना, तो हम जैसे होनहार लौंडे तुझे पेलने लगेंगे। ये हर वीडियो में, मतलब इंडस्ट्री में कोई भी टॉपिक उठती है तो ये उस इंसान के ऊपर लाइव आता है, उसके बारे में बोलता है। एक 4x4 के कमरे में बैठेगा, पीछे चद्दर टांगेगा और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि छोटे जीजा पैसे नहीं दे रहे हैं क्या? या तो एक अच्छा से स्टूडियो ले ले, जब उसी से तेरी रोजी रोटी चल रही है तो एक स्टूडियो ले ले, या फिर एक फ्लैट ले ले अच्छा सा। और नहीं हो पा रहा है तो बड़े जीजा से कॉन्टैक्ट कर, मैं करा दूंगा, मेरी अच्छी जान पहचान है, सब कुछ मिलेगा, कैमरा देंगे, घर देंगे, नहीं तो कुछ गाड़ी दे देंगे, उसमें बैठ के बना। क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फोन लेकर के एक घर के अंदर चद्दर टांग के वीडियो बनाता है, और लोगों की, इसको लगता है कि ये लोगों को रेलता है। बट बेटा ऐसे रेला नहीं जाता है। मेरी पहली वीडियो देखी थी, तूने अपनी वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक उठाई है, जीजा साला, विशाल सिंह साला, मैं जीजा, ये जीजा वो साला, ये जीजा वो साला। अबे चूतिए, कोई और टॉपिक उठाता, कुछ और बोलता, मेरे बारे में कुछ और पता करता। पता भी करके तू आया क्या कि विशाल सिंह विक्की सिंह का भाई है, और भोजपुरी इंडस्ट्री का साला है, और कलर्स पे एक शो कर रहा है। मेरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पंचेज हैं, पब्लिक देख करके हंस रही है, इंजॉय कर रही है। तेरी वीडियो में क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक जीजा साला, विशाल सिंह जीजा साला, जीजा। कुछ अच्छा करना, अगर तेरे को यही अपनी रोजी रोटी बनानी है तो ढंग से बोल, अच्छा बोल, कुछ चीजें इकट्ठी कर मेरे बारे में, तो समझ में आएगा, पब्लिक हंसेगी। अब तेरे बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। और एक बात, हाँ, तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई चूतिए, ये जो 4x4 की कमरे में बैठ के बोल रहा है ना मेरे बारे में, तू मेरे सामने चौड़ में, मेरे को मैसेज कर इंस्टाग्राम पे, तेरे को एड्रेस देता हूँ। पिछली वीडियो में भी बोला था तेरे छोटे जीजा को कि एड्रेस भेज दूंगा आज ना, दौड़ लेंगे साथ में, तेरे को भी बोल रहा हूँ, तू आ मेरे सामने आके मेरे बारे में बोल के जा। वापिस चला गया ना घर तक, तो दो बाप का। बस थैंक यू सो मच पब्लिक, आपने ये वीडियो देखा, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी अपशब्द निकल सकता है, पर मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता हूँ। पर फिर भी इसकी मैंने एक फोटो देखी थी इंस्टाग्राम पे कल, ऐसे सेल्फी लिया था टीका लगा के। तू मेरे शक्ल पे कमेंट कर रहा है? एक काम कर, तू ना अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाल कोलाज करके मेरी और अपनी, और पब्लिक से रिव्यू मांग कि किसकी शक्ल अच्छी लग रही है। साले फटे हुए टायर की तरह तेरी शक्ल है, अपने छोटे वाले जीजा जी से भी पूछ लेना, दोनों की फोटो दिखा के किसकी अच्छी है। चूतिया, बंद कर यार, गाली आ रही बैठ के लौड़े के लिए।